हाँ बोलिए ना। अच्छा मैडम, आपके घर पे मैंने छोटा या बड़ा भाई है क्या घर पे कोई? नहीं आपके घर पे कोई छोटा या बड़ा भाई है क्या? इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके घर पे मतलब फैमिली मेंबर्स को पता है क्या आप किस कंपनी में काम करते हो, जो कंपनी लोगों के साथ में क्या करती है, आपकी जो इनकम आती है क्यों वो किस तरह से इनकम आती है, किस तरह लोगों को मतलब चीट करके थ्रेड करके इनकम ली जाती है, आपको आपके फैमिली मेंबर को पता है ये सब? पूछ रहा है सर? हेलो, हेलो। यस हाँ जी नमस्ते मैडम, यस सर, मैम प्रिया मैडम से बात हो रही है? यस सर, हाँ मैम, मुझे डेटा एंट्री के जॉब के रिगार्डिंग बात करनी, मुझे जॉब मिल जाएगा ना मैडम? अच्छा, हाँ बोलिए ना। हेलो, हाँ तो मैडम जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू वगैरह के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको डेमो सैंपल वो सैंपल वगैरह जो कुछ है डिटेल्स वगैरह वो बता देती हूँ आपको। अच्छा तो मैडम हाई के लिखना है तो आप मुझे उधर से क्या क्या चीज़ भेजोगे? सर क्या होता है, सर मैं यनके बीपीओ सर्विसेज कंपनी से बात कर रही हूँ। ओके, क्या नाम? हमारी जो कंपनी, सर मैं यनके बीपीओ सर्विसेज कंपनी से बात कर रही हूँ। हमारी जो मैम कंपनी है वो होम बेस का वर्क प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का वर्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं होती है। बस मुझे आपके थोड़े से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो मैडम कंपनी का डॉक्यूमेंट नाम एक समझ में नहीं आया, क्या बोला था आपने? सर यनके बीपीओ सर्विसेज कंपनी डॉट, यानी के? हाँ यनके बीपीओ सर्विसेज कंपनी। अच्छा तो मैम इसमें क्या क्या होता है? वही सर, सर क्या होता है आपके पास ना 10 डेज होते हैं, तो 10 डेज में ना आपको 1000 फॉर्म फिल करना है, 90% एक्यूरेसी कंपलसरी है। ठीक है, मैं आपको 1000 फॉर्म देने जा रही हूँ सर, तो 1000 फॉर्म में से 900 फॉर्म आपके राइट होने चाहिए। अगर आपने 10 दिन में 1000 फॉर्म फिल किए तो कंपनी आपको 15,000 देती है, और 15,000 में से 3,400 रुपीज जो कि सॉफ्टवेयर चार्जेस होते हैं सर, वो डिडक्शन होते हैं, आपका जो फर्स्ट वाला पेमेंट आता है सर। अच्छा हेलो हेलो हेलो, दोस्तों कॉल कर गया था, वापस कॉल लगाया है मैंने उसको भी। हेलो, हेलो हाँ मैडम कॉल कट गया था शायद। यार सॉरी सॉरी, तेरे चार्जिंग नहीं है ना उसकी, इसको भी अच्छा हेलो। हाँ मैडम, हाँ सर क्या होता है, तो आपके पास ना 10 डेज होते हैं, तो 10 डेज में ना आपको 1000 फॉर्म फिल करना है, 15 रुपीज पर फॉर्म पेमेंट होता है, और 90% एक्यूरेसी कंपलसरी है। इसका मतलब मैं आपको 1000 फॉर्म देने जा रही हूँ, तो 1000 फॉर्म में से 900 फॉर्म आपके राइट होने चाहिए। अच्छा। अगर आपने 10 दिन में 1000 फॉर्म फिल किए तो कंपनी आपको 15,000 देती है, और हेलो तो आपके पास जो 10 डेज होते हैं, तो 10 डेज में आपको 1000 फॉर्म फिल करना है, 15 रुपीज पर फॉर्म, और 90% एक्यूरेसी कंपलसरी है। इसका मतलब मैं आपको 1000 फॉर्म देने जा रही हूँ, तो 1000 फॉर्म में से 900 फॉर्म आपके राइट होने चाहिए। अच्छा। अगर आपने 10 दिन में 1000 फॉर्म फिल किए तो कंपनी जो है वो आपको 15,000 देती है, और 15,000 में से 3,400 रुपीज जो कि सॉफ्टवेयर चार्जेस होते हैं सर, वो डिडक्शन होते हैं, जो आपको फर्स्ट वाला पेमेंट आता है बस उसमें से डिडक्शन होते हैं, जो आपका सेकेंड वाला पेमेंट आता है सर उसमें से कंपनी आपका 1 रुपया भी डिडक्शन नहीं करेगी। और सर वर्क में भी क्या होता है, वर्क भी इतना हार्ड नहीं होता है सर, वर्क में क्या होता है जो आपको ऊपर 3 लाइन दी जाती है सर, वही 3 लाइन देख कर जो आपको नीचे के बॉक्स में टाइप करना पड़ता है, तो इतना सिंपल वाला वर्क होता है सर, कि बस आपको ऊपर की 3 लाइन देखनी है और नीचे के बॉक्स में टाइप करनी है। लेकिन सर इतना सिंपल वाला वर्क होने के बावजूद भी अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं आती है सर, या फिर अगर आपके 1000 फॉर्म कम्प्लीट नहीं हो रहे सर 10 डेज से, तो फिर सर जो सॉफ्टवेयर चार्जेस होते हैं 3,400 रुपीज वो आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। लेकिन आपको भी एक बात बताना चाहती हूँ सर, अभी तक तो एक भी चैनल ऐसा नहीं है सर कि किसी ने कंपनी को 3,400 रुपीज दिए हुए, क्योंकि सर 10 दिन में 1000 फॉर्म लोगों के आसानी से हो ही जाते हैं। आपको क्या लगता है अच्छा सर, आपको वो चाहिए वर्क
हाँ मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, तो अभी तक ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है आपका जिसने 3,400 पे किए हो या काम कंप्लीट ना हो? अभी तक तो एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है अच्छा कि किसी कंपनी को 3,400 रुपए दिए हैं। अच्छा मतलब क्योंकि अपन सर कंपनी का मेंबर्स जो के लिए वन मैक्सिमम थाउजेंड जो फाइव हंड्रेड रेशो के है, आसपास ही नहीं जाते हैं। मतलब अपनी कंपनी का जो मैक्सिमम रेशो है वो 100% लोगों ने काम कंप्लीट करके दे दिया, मतलब काम इजी है, मेरे से भी हो जाएगा। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे डेमो सैंपल भेज सकती हूँ। अच्छा मैडम, अपनी कंपनी कहाँ पर है ये? सॉरी सॉरी मैं आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट प्रूफ वगैरह भेज सकती हूँ। नहीं एक बार मुझे बता दो ना मैडम, एक बार फिर मैं आपने क्या जो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हो वो मैं सेंड कर दूंगा फिर डायरेक्ट फिर मैं। हाँ सर तो नो प्रॉब्लम सर, आप मुझे बस आपका व्हाट्सएप पे हाई कर ऐसे डाल दीजिए, यही मेरा तो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मैं नाम प्रिया है। तो महाराष्ट्र में ये कहाँ पर हाई है? मार के डाल दीजिए। सर एमपी से बात कर रहे सर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एमपी से? हाँ, एमपी 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 में कहाँ से? इंदौर। इंदौर से? सॉरी इंदौर से? इंदौर इंदौर में कहाँ हूँ मैं, अपनी ऑफिस कहाँ पर है? इंदौर में सर, मैं आपको एड्रेस सेंड करूँ क्या व्हाट्सएप पे? आप मुझे हाई का नाम से डाल दीजिए, ठीक है? इसी तरह ही बता सकती हूँ मैं, आप एड्रेस में डायरेक्टली सेंड करूँगी आपको। नहीं एक्चुअली मैडम, मैं क्या भोपाल में रहता हूँ, तो क्या एक बार मैं कंपनी विजिट कर लेता हूँ पहले फिर मैं। हाँ, नो प्रॉब्लम सर, आप इंदौर में ही रहते हो क्या? जी एमपी मध्य प्रदेश बस उसमें भोपाल में। ओके ओके ठीक है ठीक है सर, तो ठीक है। मैडम अपनी कंपनी कहाँ पर है इंदौर में ये? इंदौर वही सर, मैं आपको एड्रेस पूरा सेंड कर देती हूँ, आप मुझे आई फोन वैसे तो डाल दीजिए। अरे मुझे बता दो ना मैडम, फोन पे बता दो ना मुझे। ओके ठीक है, मुझे एड्रेस मुझे निकालना पड़ेगा। देखो मैडम एक बार देखो ओके सर, मुरली मोहल्ला वो है ना वहाँ पे, कहाँ पे मुरारी मोहल्ला। मैडम, एक बार कंफर्म नहीं हुआ मुझे। वही सर, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई फाई से डाल दीजिए, आपको गाड़ी का एड्रेस सेंड कर नहीं देंगे। ओके मैडम, हाँ आप तो आप अभी इंदौर में ही हो ना अभी आप, तो आप एड्रेस एक बार मुझे वापस से कंफर्म करा दो ना एक बार। हाँ तो वही, आप मुझे हाई फाई एड्रेस पे डाल दीजिए अच्छा सर, मैडम, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। मैडम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मेरे पास क्या लगभग 50 से 60 लोगों की कंप्लेंट आई थी अभी। ओके ओके सर, प्लीज हाई फाई एड्रेस डाल दीजिए, मैं आपको डेमो सैंपल अरे पेमेंट सुनो प्रूफ तो मैडम मेरी बात भी सुन डेमो सैंपल लो। पेमेंट प्रूफ और एड्रेस भी सेंड कर देती हूँ। अच्छा मैडम ये कह रहा हूँ मैं, हेलो। हाँ बोलिए ना। अच्छा मैडम, आपके घर पे मैंने छोटा या बड़ा भाई है क्या घर पे कोई? नहीं आपके घर पे कोई छोटा या बड़ा भाई है क्या? पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों पूछ रहे हैं सर? नहीं इसलिए पूछ रहा, आपके घर पे मतलब फैमिली मेंबर्स को पता है कि आप किस कंपनी में काम करते हो, जो कंपनी लोगों के साथ में क्या करती है, आपकी जो इनकम आती है वो किस तरह से इनकम आती है, किस तरह लोगों को मतलब चीट करके थ्रेड करके इनकम ली जाती है, आपको आपके फैमिली मेम्बर को पता है ये सब चीज़ें नहीं हैं? पता सर। मैडम एक बार बता के देखो घर वालों को मतलब क्या लगता है कि किस तरह उनकी बेटी है बहन है, किस तरह पैसे कमा रही लोगों, किस तरह चीट करवाती कंपनी के थ्रू, उसमें कंपनी में साथ दे रही है थैंक यू मैडम। सर, आपको वर्क नहीं करना था, इतना क्यों इन्फॉर्मेशन दी था नहीं सर मैडम, मैं आपने? इन्फॉर्मेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 60 से 70। हेलो हेलो, कॉल काट दिया इसको, मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ, अगर कॉल रिसीव करती है तो मैं समझाता हूँ इसको। दोस्तों वापस कॉल लगाया है मैंने इसको, अभी कॉल लगा दिया। व्यक्ति संपर्क साधने का तो प्रयत्न दोस्तों अभी कर रिसीव रहा नहीं है। कर रही कॉल को ये, और शायद रिसीव ना करे भी क्योंकि ये जो कंपनी थी अभी फ्रॉड थी, इंदौर का नाम मध्य प्रदेश का नाम लेके ये नई स्टार्टिंग की है इन लोगों ने, अब तक जो गुजरात और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर कंपनियों का नाम लेके फ्रॉड किया जा रहा था। एक्चुअली क्या मैक्सिमम लोगों को अभी पता चल चुका है कि महाराष्ट्र प्लस गुजरात से अगर किसी भी कंपनी का डेटा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का अगर कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो 100% फ्रॉड होगा, तो अब लोग इन लोगों ने एमपी मध्य प्रदेश का नाम बिगाड़ना चालू कर दिया है, और ख़ासकर वो ऐसी जगह इंदौर। अभी इंदौर का मैंने लोकल एड्रेस पूछना चाहा तो जीभ जो थी इनकी लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि इनकी जवाब है वो अभी नाम रटा नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये कंपनी ठीक थी, लीगल कंपनी थी? मेरे पास 4-5 लोगों के मैसेज आए थे कि ये प्रिया मैडम करके हैं, कॉल पर डेटा देती हैं हमको डेटा एंट्री के रिगार्डिंग, और बाद में थ्रेड कॉल्स आते रहते हैं, पैसे की डिमांड होती है। अभी आपने देख लिया, मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ आपके कहने के लिए। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहात ती ह्या वेळेस मैडम अभी कॉल काट रही है, शकत नाही।
जो मैडम थी अभी ये कॉल काट रही बार बार, अब ये बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता चल चुका है कुछ न कुछ इनके साथ में गलत होने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो इस मैडम का मैं नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो अच्छे से बात कीजिए, पर इनके झांसे में ना फंसिए। किसी भी डेटा एंट्री के झांसे में ऐसे ना फंसिए कि मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, हाई का मैसेज किए, मैं आपको डेटा का डेमो देता हूँ या देती हूँ, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट दिए, मैं आपको डेटा एंट्री 15,000-20,000, इन सब लालच में मत फंसिए। आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेटा को ये लोग बेचते भी हैं। आपको क्या लगता है आपका आधार कार्ड ले लिया बस इनका काम हो गया? नहीं, उस डेटा का अलग अलग कंपनियों को बेचते हैं आपके मोबाइल नंबर के साथ में अटैच करके, फिर आपको अलग अलग मैसेज वगैरह आते हैं। आप सोचते हैं इस तरह का मैसेज कहाँ से है, कभी किसी सेल का, कभी किसी सेल का, कभी किसी कंपनी, कभी किसी लोन के रिगार्डिंग कॉल मैसेज आते हैं, वो सब इसी तरह से आते हैं। तो आपको सतर्क बनना होगा, जागरूक बनना होगा, सावधान रहना होगा दोस्तों। इन फ्रॉडस्टर को अपने डेटा बिल्कुल भी नहीं देना, ना आधार कार्ड, ना वोटर आईडी, ना कुछ भी, कोई भी लीगल एग्रीमेंट के नाम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना। अगर कोई भी लीगल एग्रीमेंट आप बनाते करते हो, पहले एग्रीमेंट को पढ़िए, पहले कंपनी को जांचिए, परखिए। अभी साथ में एक वीडियो, इसी वीडियो में एक कंपनी का नाम और ऐड किया, सब एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। इस कंपनी की अगर वेबसाइट वगैरह कुछ खोलोगे तो वहाँ पर एक CSF एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी आती है, उस कंपनी का CIN नंबर भी है वहाँ पर, कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ कंपनी का है। बट जो प्राइवेट लिमिटेड की जो स्पेलिंग है दोनों में बहुत अंतर है, एक में प्राइवेट फुल लगा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड जो फुल लगा हुआ है, दूसरे में सिर्फ PVT LTD लिखा हुआ है। कंपनियां जो है सिर्फ माइनर सा डिफरेंस क्रिएट करती हैं और उसके बाद में अपने नाम, किसी भी कंपनी का नाम लिया, उसमें माइनर डिफरेंस किया और लोगों के साथ एग्रीमेंट वगैरह बनाती है। वो कंपनी ओरिजिनल नहीं होती है लेकिन लोगों को लगता है शायद ओरिजिनल कंपनी, क्योंकि उस स्टार्टिंग का जो नाम होता है बिल्कुल सेम होता है। तो जागरूक बनिए दोस्तों, फ्रॉडस्टर के चक्कर में ना फंसिए।